सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जिसमें मैंने एक छोटा सा काम किया है विद तमन्ना भाटिया मैम के साथ। तो सीन मैंने ट्रेलर में देख लिया, मेरा सीन है उसमें, गदर की तरह नहीं कटा है मेरा सीन। तो बहने को घर में नहीं होने का नतीजा रोटी सेकनी पड़ रही है। अभी तो तेरे को बताऊंगी मैं, रुको। अरे अच्छा जी, रोटी सेक रहा हूँ। मैं कह रही थी क्या कर रहा हूँ। ये पराठे अभी जो पोछा भी लाया हूँ थोड़े दिन बाद, बर्तन भी मांजा वो। देख रहा जी, ये जमाना चचेर बहन होते साथ में लड़का रोटी बना रहा बहन की कीमत बता। तो बच्चा मैं तो मम्मी का भी फोन आया, मम्मी बोल रही पराठे तू बना दियो और सब्जी मैं बना दूंगी कुछ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ पराठे बनाने। और खाना आज बनेगा कितने लोगों का बताऊँ, बड़ी फनी सी अभी याद आई है मेरे को आटा मार। हे वेलकम बैक टू माई अंदर ब्लॉग। और मेरे इस ब्लॉग में आज आप लोगों को कोई बाहर की चीज़ या घूमने फिरने कुछ नहीं मिलेगा, आज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी कुकिंग। क्योंकि आज मम्मी है मार्केट में और दो बहनों को तो हमने ब्याह दिया है, उनकी शादी हो चुकी है। तो और जो दो हैं और वो गई हैं एग्ज़ाम देने, एक एटा और एक फिरोज़ाबाद। तो बच्चा मैं तो मम्मी का भी फ़ोन आया, मम्मी बोल रही पराठे तू बना दियो और सब्जी मैं बना दूंगी कुछ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ पराठे बनाने। और खाना आज बनेगा कितने लोगों का, दो तीन छः लोगों का, मम्मी भरत मेरा और मेरे तीन बच्चे। तो मेरी एक बच्ची तो ये घूम रही है प्यारी सी, ये है मेरी नौरा। और आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो मैंने इसको अडॉप्ट किया था और इसके साथ दो डॉग्स और अडॉप्ट करे हैं। तो ये प्यारी सी बच्ची है, तो आज ये मेरे हाथ का खाना खाएंगे क्योंकि घर पे कोई है नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं, आटा मारते हैं। और मैंने सोचा नहीं था इस टाइप का ब्लॉग भी मैं आप लोगों को कभी दूंगा। तो चलो अभी मैं आटा मार लूँ और फिर खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको जल्दी, ठीक है? स्टे ट्यून्ड भाई। मैंने इतना आटा ले लिया है, कम पड़ेगा वो खुद देखेगा अपने लिए। मेरे को अंदाज़ा नहीं है, मेरे को ये 110% पता है। ये ब्लॉग जब आएगा तो जो दो पेपर देने गई हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जिन दो की शादी हो गई है वो मेरे को ज़रूर वीडियो कॉल करेंगे और कहेंगे बेटा हमने कहा था ना हमारी शादी हो जाएगी तो तेरी आंखें कौवा ले जाएंगे। तो बस देखता हूँ मैं अपनी आंखें अब कौवा ले जाने से बचा रहा हूँ और अपने पेट भरने के लिए खुद खाना बना रहा हूँ स्वयं का। देख लो, देखो इनको अभी भूख लग रही है, चलो खाना बना के मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? बताऊँ बड़ी फनी सी अभी याद आई है मेरे को आटा मारने के बाद। अभी मैंने ना नौरा को हाथ में उठाया था ना अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये है मेरी नौरा और आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो मैंने इसको अडॉप्ट नौरा है। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने हाथ नहीं धुले और मैंने आटा मार दिया। पर ये ठीक है, ये ब्लॉग अभी नहीं बाद में आएगा जब तक मम्मी खा चुकी होगी। मम्मी को ये वाली बात पता लग गई ना, मम्मी सच्ची में भी आटा बिगाड़ना पड़े तो वो कहेंगी दोबारा। अब मैं अब उन्हें बताना नहीं वाला क्योंकि बेकार हो जाएगा, अन्न बेकार हो जाएगा। अब वो खा लेंगी चुपचाप से, तब उनको ये ब्लॉग दिखाऊंगा कि देखो ये हो गया था मेरे से गलती। चलो ठीक है, आटा मार लूँ मैं, फिर मिलता हूँ। भैया भगवान, ये लोग आज जीत पा रहे आज। भगवान कैसे कैसे दिला जी, ये जमाना चचेर बहन होते साथ में लड़का रोटी बना रहा है। बहन की कीमत बता। कितनी गर्मी लग रही है ना, मेरे हाथ देख रहे हो कितने पराठे बना लिए मैंने, एक सही गर्म है, एक दो तीन चार पराठे बन गए हैं। पर दिक्कत ये हो गई है कि आटा हो गया है ख़त्म। अब मेरे तीनों बच्चे रह गए, इनको अब मैं ब्रेड या कुछ बना कर दूंगा तब खाएंगे। क्योंकि मेरी हालत देखो, मैं दिखाता हूँ, हालत देख रहे हो बहुत तेज गर्मी लग रही है मेरे को। एडजस्ट भी नहीं चलाया मैंने, पराठे बना लूं मैं उल्टे हाथ से काम हो जाए हमारा, ठीक है? चलो मिलते हैं। देखो गाइस देखो, बहने को घर में नहीं होने का नतीजा रोटी सेकनी पड़ रही है। अभी तो तेरे को बताऊंगी मैं, रुको। अच्छा जी, रोटी सेक रहा हूँ। मैं कह रही थी क्या कर रहा हूँ।
ये पराठे अभी जो पोछा भी लगाए हो थोड़े दिन बाद, बर्तन भी मांजा हो। सही बात है, जब रहेंगी ना मम्मी बाहर होंगी तो फिर भैया करना ही पड़ेगा अपने ताई। मम्मी दुकान पे अभी तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी सबक। तो भाई पराठे हो गए हैं रेडी, सब्जी भी मैंने रेडी कर दी। मैंने कहा मम्मी क्या ही बनाएंगी आके, मेथी आलू की सब्जी रेडी कर दी सुबह की थी, उसी को छौंक छाक के मैंने गरम करके रख दिया है। और आज तो भैया मतलब एक होता है ना कि इंसान जब नहीं होता तो उसकी अहमियत पता लगती है, तो चारों नहीं है और चारों की अहमियत पता लग रही है आज। आज तो मेरे को पूनम की वो क्या बोलते हैं उसको, भारत कौन सी दाल बोलता है वो, हॉस्पिटल वाली दाल भी याद आ रही है। बाकी दाल पानी नहीं पकड़, मतलब मैं यूपी की भाषा बोल रहा हूँ, उसकी दाल ना पानी नहीं पकड़ती है। मतलब वो ऐसी दाल बनाती है कि वो पानी पकड़ती नहीं है, वो दाल अलग ठहरती है पानी अलग ठहरता है। तो आज वो दाल भी मुझे याद आ रही है, बट ठीक है। एनीवे गर्मी बहुत ज़्यादा लगी यार खाना बनाते हुए। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कल है 25 तारीख और ख़ास दिन है मेरे लिए अगेन, क्योंकि कल एक और सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जिसमें मैंने एक छोटा सा काम किया है विद तमन्ना भाटिया मैम के साथ। तो सीन मैंने ट्रेलर में देख लिया, मेरा सीन है उसमें, गदर की तरह नहीं कटा है मेरा सीन। तो पहले मैं देखूँगा मेरा सीन कहाँ पर है, फिर मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को डालूंगा कि हाँ फाइनली अब आप लोग जा सकते हो उसको, जा सकते नहीं हो, वो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज़ हो रही है, तो आप घर बैठे उसको देख सकते हो। तो हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि सीरीज़ रिलीज़ हो रही है, और आप लोग उसको देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और आई होप यू लाइक माई वीडियो, और अब भी आप नए हैं तो जाइए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मेरी सारी वीडियो देख लीजिए। और आने वाले टाइम में एक और गुड न्यूज़ है, मैं आप लोगों को जल्द ही दूंगा, पर आने वाले टाइम में, इस वीडियो में नहीं। चल थैंक्स फॉर वॉचिंग।